तो अभी हम देखते हैं कि किस तरीके से हम एक वेब पेज जो है अपना क्रिएट करते हैं, ठीक है। यानी कि देखें, जब हम डिजाइनिंग कर रहे हैं वेबसाइट की, तो उसके लिए जरूरी नहीं कि हमारे पास एक एक्टिव इंटरनेट का कनेक्शन हो, जरूरी नहीं है। लेकिन विजुअल, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल कोड और वेब ब्राउजर होना लाजमी है, क्योंकि जब वेबसाइट बनाते हैं तो जैसे एक वर्ड की फाइल बना रहे हैं, सीवी बना रहे हैं, तो वो अपने कंप्यूटर में सेव कर रहे होते हैं उसको, और सेव करने के बाद ही उसको हम कहीं पे सेंड करते हैं या प्रिंट करते हैं। तो उसके लिए हम जो है जरूरी नहीं है क्या? नहीं, उसको ऑफिस में बैठो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना, उसको बनाने के लिए हमें अपने कंप्यूटर में लोकली उसको सेव करना होगा। समझ में आ रही है मेरी बात? तो अब ये कैसे शुरू करना है काम, उसको देखना है हमें, वेब पेज कैसे बनाना है। तो मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, यहाँ से हम चले जाएंगे सबसे पहले एक डॉक्यूमेंट्स में, जहाँ पे भी आप अपना एक फोल्डर बना लें। तो मैंने यहाँ पर एक फोल्डर बना लिया वेब के नाम से, और वेब पे जाके एक फोल्डर बना रहा हूँ मैं हॉरिजोन के नाम से, और हॉरिजोन के अंदर जाके मैंने फोल्डर बना लिया। ये फोल्डर बन गया, इस पर राइट बटन दबाया, इस प्रॉपर्टीज में चला गया, कस्टमाइज पे क्लिक किया, इसको एक आइकन लगा दिया ताकि मुझे याद रहे कि हाँ भाई इसका आइकन ये है। लेट सपोज मैंने इस पर ये वाला आइकन लगा दिया और इसको ओके कर दिया, इसको रिफ्रेश कर दिया, ये मेरा आइकन आ गया, ठीक है। ये फोल्डर खाली है, इसके अंदर हम अपनी वेबसाइट वेब पेज वगैरह बनाने का काम करेंगे। इसको मिनिमाइज कर दिया। अब हमने वो सॉफ्टवेयर खोलना है जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट विजुअल कोड। इस सॉफ्टवेयर को भी थोड़ा बहुत समझेंगे, कोड एडिटर है, कैसे काम करता है। लेकिन अभी फिलहाल जो इसके लिए काम है, हमारे पास फाइल में जाएंगे, इसको यहाँ से जाके कहेंगे क्लोज फोल्डर। इससे क्या होगा, जो पहले से काम इस पे हो रहा था, कोई भी काम था, वो क्लोज हो जाएगा और ये बिल्कुल नेट एंड फ्रेश होकर आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, फाइल में जाना है, देन ओपन फोल्डर करना है, और ओपन फोल्डर करके आपने वो फोल्डर यहाँ पर डिफाइन करना है। तो डॉक्यूमेंट्स में जाना है, और डॉक्यूमेंट्स में जाने के बाद यहाँ से क्लिक करना है आपने उस फोल्डर पे, जैसे कि जो हमारा वेब के नाम से बना हुआ है, और वेब पे जाके हमने उस फोल्डर में चले गए हॉरिजॉन, और यहाँ से सिलेक्ट फोल्डर कर दिया। जैसे सिलेक्ट फोल्डर करेंगे तो वो फोल्डर सिलेक्ट हो जाएगा, और सिलेक्ट होने के बाद हमारे सामने यहाँ पे नजर आने लग जाएगा। इसके बाद हम यहाँ से फाइल में जाएंगे और अपना पहला वेब पेज बनाएंगे। तो जैसे न्यू फाइल करेंगे, जैसे नोटपैड में करते थे, फिर कंट्रोल एस, या फाइल में जाके सेव करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे, फाइल सेव होगी, ये उसी फोल्डर में सेव करेगा फाइल जाके। अब यहाँ पर आप अपने पहले वेब पेज का नाम रखने जा रहे हैं, कोई भी पहले वेब पेज का नाम कुछ भी रख सकते हैं, ABCD123XYZ। यहाँ मैं इसका नाम रख रहा हूँ होम, और होम के साथ हम लगा रहे हैं डॉट, और डॉट लगा के हम इसको टाइप देंगे HTML। देखें, अगर आप ये HTML नहीं लिखेंगे तो ये एक वेब पेज सेव नहीं होगा, और अगर ये एक वेब पेज सेव नहीं हुआ तो ये नोटपैड की फाइल बन जाएगी जो कि ब्राउजर पे नहीं खुलेगी। तो वेब पेज का नाम कुछ भी रखें, ABCDEFGHIJKLMNOP, राशिद, काशिफ, असलम, इमरान, सुमैया, जो भी रखना है, पर डॉट HTML लगाना लाजमी है। इससे ही ये मैसेज कन्वे होगा कि एक वेब पेज है। जैसे ही सेव करेंगे तो ये एक फाइल सेव हो जाएगी जो कि हमारी एक वेब पेज की फाइल होगी। इसको कंट्रोल एस करके सेव कर देंगे। अब देखते हैं फोल्डर में क्या हुआ। फोल्डर में देखेंगे तो एक वेब पेज की फाइल यहाँ क्रिएट हो जाएगी, जिसको आप राइट बटन दबा के ओपन विथ करेंगे और वेब ब्राउजर यानी कि गूगल क्रोम पे खोल लेंगे। जैसे ही आप उसको खोल लेंगे तो ये आपको वेब पेज पर नजर आएगा। वेब पेज पर हम, वेब ब्राउजर पे हम इसकी टेस्टिंग करेंगे, और यहाँ पर हम इसका कोड करेंगे। जैसे जैसे चेंज यहाँ करेंगे वैसे वैसे उसका चेंज हमें यहाँ देखने को मिलता जाएगा। अब हम शुरू करते हैं। तो वेब पेज पर जब हम आ गए तो वेब ब्राउजर में हमारे वेब पेज का ये बॉडी एरिया है, बॉडी एरिया, ये इसका टाइटल बार है, ये इसका एड्रेस बार है, ये बैक, ये फॉरवर्ड, और ये रीलोड यानी कि रिफ्रेश का बटन है। अब यहाँ आ गए हम इस जगह पे, ऑल्टर टैब से। ऑल्टर टैब से मैं यहाँ जा रहा हूँ, ऑल्टर टैब से मैं यहाँ पर आ रहा हूँ। तो यहाँ पर क्लिक करके, जैसे हमने सी का प्रोग्राम लिखते थे तो उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर डिफाइन करते थे, तो कैसे करते थे, हैश इंक्लूड इंटीजर, इसका भी कुछ एक स्ट्रक्चर है, लेकिन हम टाइप नहीं करेंगे। इस सॉफ्टवेयर में एक शॉर्ट की है जिससे वो हमें मिल जाएगा, वो है शिफ्ट के साथ 1 का बटन दबाएंगे और एंटर दबाएंगे, तो ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर हमें रिटर्न कर देगा। दोबारा देख लें, शिफ्ट के साथ 1 का बटन दबाएंगे और एंटर कर देंगे तो ये हमें रिटर्न करेगा। कंट्रोल एस करके इसको सेव कर देंगे और यहाँ पे जाके इसको रिफ्रेश कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें टाइटल चेंज होकर आ गया डॉक्यूमेंट। अब देखें, जैसे मैंने आपको बताया कि HTML के जो कमांड्स हैं वो लेस देन ग्रेटर देन में लिखे जाते हैं, और वही HTML के फंक्शंस हैं, कमांड्स हैं, जिनको हम टैग्स कहते हैं। तो जब भी कोई वेब पेज शुरू करना है तो ये स्ट्रक्चर लिखना है आपने, और ये वाला जो पहला स्ट्रक्चर है ये बता रहा है कि हम HTML5 में काम कर रहे हैं। फिर ये वाला टैग लेस देन और ग्रेटर देन में लिखा जा रहा है HTML का। अब टैग जो स्टार्ट होगा वो क्लोज भी होगा, माँ सिवाय 2-3 के। जैसे ये HTML का टैग शुरू हुआ है तो यहाँ पे देखें इसको क्लोज किया है स्लैश के साथ। याद रखें कि जो भी HTML की कमांड्स होंगी वो लेस देन ग्रेटर देन में लिखी जाएंगी। हेड सेक्शन डिफाइन करेंगे
और उसको क्लोज करेंगे, बॉडी सेक्शन डिफाइन करेंगे और उसको इस तरह से क्लोज करेंगे. क्लोज करने का मतलब है स्लैश, स्टार्टिंग का मतलब है विदाउट स्लैश, स्टार्ट एंड देन क्लोज. ओके, अब हेड सेक्शन में तीन टैग है, मेटा, मेटा नेम और टाइटल. इसको हम समझेंगे क्या काम आता है, लेकिन फिलहाल टाइटल को समझते हैं. ये जो हमारे वेब पेज का टाइटल है जो यहाँ नजर आता है, इसको जो भी हम यहाँ पे टाइप करेंगे, जैसे सपोज हॉरिजॉन वेब पेज, सेव करेंगे कंट्रोल एस से और यहाँ जाके रिफ्रेश करेंगे तो ये अपडेट कर देगा. अब जो भी आप टाइटल चाहते हैं यहाँ पे अपडेट करेंगे और वो वहाँ पे अपडेट ऑटोमेटिकली होता चला जाएगा. इस तरह से आप अपने वेब पेज का कोई भी टाइटल रख सकते हैं. अब आते हैं कि बॉडी सेक्शन में अगर कुछ भी दिखाना है तो उसको आप यहाँ पे डायरेक्टली टाइप करेंगे. जो टेक्स्ट आपको वेब पेज पे दिखाने हैं वो लेस देन और ग्रेटर देन के अलावा टाइप होंगे, याद रखिएगा. सपोज तो हम यहाँ लिख रहे हैं वेलकम टू हॉरिजॉन वेब साइट, ठीक है, सेव एंड रिफ्रेश, तो यह देखें जाहिर हो गया. इसके साथ साथ अगर हम इसके बारे में लिख रहे हैं अबाउट अस, सेव एंड रिफ्रेश, तो वो देखें उसी के साथ आ गया. आने दें, उसके साथ हमें कुछ टेक्स्ट चाहिए. अब मेरे जहन में टेक्स्ट नहीं है तो उसके भी तरीका बताता हूँ कि हम कैसे बनाएंगे, लेकिन उसके लिए फिर हमें इंटरनेट की फैसिलिटी चाहिए होगी, जिसके बाद हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कुछ टेक्स्ट जनरेट करा लेंगे. होपफुली नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह उसको हम परफॉर्म करेंगे, लेकिन अभी हमें कुछ सैम्पल टेक्स्ट चाहिए. तो वर्ड में सैम्पल टेक्स्ट कैसे लेते थे, आर ए एन डी और ले लेते थे. इसमें तरीका ये है कि आप लिखेंगे लॉरेम, वो लिखा हुआ आ जाएगा, एंटर करेंगे और ये रैंडम टेक्स्ट आपको दे देगा. अब जितने चाहिए उतनी बार लॉरेम लिख के एंटर करते थे, उतने आपको ये रैंडम पैराग्राफ दे देगा और ये इस तरह से इस पे आ जाएंगे. सिमिलरली अब इसके लिए मैंने एक पैराग्राफ बना लिया और कुछ इस तरह का काम कर लिया है. तो याद रखें जो कमांड्स हैं वो लेस देन में है. अब मुझे थोड़ा सा अपने वेब पेज की फॉर्मेशन करनी है. जैसे हम पहले सीवी बनाते थे, डाटा डाल देते, फिर उसकी फॉर्मेशन करते थे, कैसे करेंगे? सबसे पहले मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो बॉडी के टैग के साथ स्पेस करेंगे, यहाँ पर एक बीजी कलर का एट्रीब्यूट ऐड करेंगे, यहाँ से क्लिक कर लें और इक्वल टू के बाद डबल कोट्स लगाएंगे, उसके अंदर एक वैल्यू पास करेंगे, सपोज ग्रे, तो ये ग्रे कलर का एक वेब पेज बन जाएगा और बैकग्राउंड कलर हो जाएगा. जो कलर डालेंगे वो कलर हो जाएगा इसका, ग्रे डालें, रेड डालें, ग्रीन डालें. अब टेक्स्ट का कलर क्या करना है, तो लिखेंगे टेक्स्ट का एट्रीब्यूट और उसमें आप लिखेंगे सपोज व्हाइट कलर, तो ये देखें टेक्स्ट कलर वैसा हो जाएगा. अब मुझे इसका जो टाइटल है उसको हेडिंग बनाना है, तो उसके लिए मेरे पास एक कमांड है h1 लिखूंगा, तो h1 का स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग, स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग के दरमियान में जो भी टेक्स्ट आएगा वो हेडिंग वन में कन्वर्ट हो जाएगा. कंट्रोल एक्स एंड देन कंट्रोल वी, पेस्ट, इसका काम बहुत होगा, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी का, याद रखिएगा. कंट्रोल एस सेव और ये देखिए इस तरह से हो गया. अबाउट उसको थोड़ा इससे छोटा रखना है, तो हम यहाँ पे बनाएंगे h2. ऐसे h1 से लेके h6 तक की आप हेडिंग्स क्रिएट कर सकते हैं डिफरेंट साइज में और जितनी बार चाहें कर सकते हैं. h2 एंटर. अब मैं इसको कट करके यहाँ पे इसके बाद क्लोज कर देता हूँ, तो भी काम हो जाएगा, ये देखिए, और दो लाइन का गैप भी आ जाएगा. इसके बाद मुझे इसको सेंटर करना है, तो h1 के अंदर सेंटर का एलिमेंट यूज करेंगे और यहाँ से क्लोज करेंगे और इसके बाद इसको यहाँ पे क्लोज कर देंगे, तो ये सिर्फ यही हिस्सा सेंटर में आ जाएगा. इसके साथ साथ मुझे नीचे पैराग्राफ बनाना है, तो p लिखा, एंटर किया, पैराग्राफ क्रिएट हो गया, क्लोज किया और यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया, ये पैराग्राफ कंप्लीट हो गया. इस तरह मुझे तीन चार पैराग्राफ बनाने, कॉपी किया मैंने, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी और पेस्ट कर दिया, उतने सारे पैराग्राफ इस पे क्रिएट हो गए. अब इसमें मुझे पैराग्राफ की अलाइनमेंट करनी है, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइन होती है, मुझे सेंटर करना है किसी भी पैराग्राफ को, तो उसके पैराग्राफ के एलिमेंट के साथ मैं एक एट्रीब्यूट यूज करूंगा पी के साथ, अलाइन और इक्वल टू लगा के सेंटर, और इसको सेव कर दूंगा, तो ये देखिए सेंटर में आ जाएगा. अगर उसको जस्टिफाइड करना है दोनों साइड से, तो मैं इसके साथ यूज करूंगा अलाइन और इक्वल टू के साथ जस्टिफाई की वैल्यू पास करूंगा और उसके बाद रिफ्रेश करूंगा, तो ये देखें दोनों साइड से जस्टिफाई और रिफ्रेश करेंगे, तो ये दोनों तरफ से जस्टिफाई हो जाएगा. इसी तरह से अगर मैं पैराग्राफ के साथ एक एट्रीब्यूट यूज करूंगा अलाइन का और उसके साथ मैं यूज करूंगा राइट, तो देखें राइट एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है. तो इस तरह से कोई भी आप यूज कर सकते हैं. अगर कुछ फॉन्ट्स मुझे बड़े करने हैं तो उसके लिए मैं बिग का एलिमेंट यूज करूंगा, जो दो पॉइंट्स हमारे फॉन्ट को बड़ा करेंगे, बिग और स्टार्ट एंड क्लोज. अब जहां पे मैं इसको क्लोज करूंगा सिर्फ वही हिस्सा दो पॉइंट बड़ा होगा, और अगर मैं इसको क्लोज लास्ट में कर दूंगा बॉडी से पहले, तो ये सारे के सारे इस तरह से बड़े होकर आपको दिखाने लग जाएंगे. और ये देखें हमारा एक वेब पेज क्रिएट हो गया, समझ रहे हैं? अब ये इसका सोर्स कोड है, ये इसका फाइनल वर्जन है. अब मैं इसको बंद कर देता हूँ, और इसको कैसे बंद करूंगा, फाइल क्लोज फोल्डर
ये भी क्लोज हो गया, एंड देन इसको यहाँ से करूँगा क्लोज, ये भी क्लोज हो गया, तो ये मेरा वेब पेज तैयार है। जब मैं इसको ब्राउजर में खोलूंगा तो ये ऐसा नजर आएगा, ठीक है। और जब मैं इसमें चेंजेस करना चाहता हूँ तो पहले विजुअल कोड खोलूंगा और फिर फाइल में जाके यहाँ से ओपन फोल्डर करूंगा। ओपन फोल्डर करके मैं यहाँ से डॉक्यूमेंट्स में जाऊंगा और यहाँ पे क्लिक करके मैं उस फोल्डर में जाऊंगा जहाँ पे मैंने अपना फोल्डर सेव किया है, और वहां जाके मैं इसको सेव करूंगा हॉरिजोन के नाम से। उसके अंदर जाऊंगा, सिलेक्ट फोल्डर करूंगा, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये मेरा वेब पेज इसके अंदर खुल गया। अब जो भी चेंजेस आप करेंगे, जैसे इसके अंदर आप लिख रहे हैं, सपोज एक पैराग्राफ और दिया आपने इसके अंदर, ठीक है, पैराग्राफ, और इसके अंदर मैं लिख रहा हूँ कॉपीराइट 2024, सेव, एंड इस पे आके रिफ्रेश करूंगा चेक करने के लिए, तो ये देखें नीचे ऐड हो गया है, ठीक है। अच्छा, अब जो भी चेंजेस करूंगा यहाँ से मैं इसमें कर सकता हूँ। अब नया वेब पेज बनाना है तो फाइल में जाएंगे, दोबारा से न्यू करेंगे, कंट्रोल एस करके सेव करेंगे, सपोज टू बी अबाउट अस डॉट एच टी एम एल के नाम से बना दिया, बन गया, शिफ्ट के साथ वन दबाया, बेसिक एलिमेंट आ गया, यहाँ पे इसके टाइटल में डाला अबाउट अस, तो ये हमारा दूसरा वेब पेज रेडी हो गया है और उसी फोल्डर में आपको दिखाई देगा। चेक कर लें इसको रिफ्रेश करके, ये देखिए। फिर इसकी फॉर्मेशन आप अलग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, जितने भी वेब पेज हैं आपको यहाँ नेविगेशन में नजर आ रहे होंगे। और बंद करने के लिए फाइल, क्लोज फोल्डर, एंड देन यहाँ से क्लोज, और ये यहाँ से क्लोज हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गई बात ये,